कल थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी को पहले तो कुल्हाड़ी से मारा गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया था। मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं टीमों को गठित करके पति की धरपकड़ शुरू की गई। इसमें पति को काफ़ी मशक्कत के बाद शाम के वक्त हम लोगों ने इनको इसका काफ़ी इसके बारे में ट्रेस मिला था और आज हम लोगों ने इनकी अरेस्टिंग की है। पूछताछ के दौरान पति ने बताया कि उसने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या की थी। जो इनकी पत्नी है वो इनकी बुआ की लड़की है और शादी को 3 साल हो चुके हैं और आपस में खिटपिट के चलते जो है पत्नी की हत्या हुई है कुल्हाड़ी से। और उसके बाद उसकी बॉडी को पहले तो घर में ही गाड़ने का प्रयास किया गया लेकिन उसके बाद उसमें मिट्टी का तेल डाल करके उस बॉडी को आग लगा दिया गया। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई। कितने बजे मारा गया? कितने बजे की अभी तक जो अभियुक्त से पूछताछ हुई है उसमें हत्या के लिए इसने बताया है कि उसका उसकी पत्नी के साथ विवाद था और आपस में खटपट थी। इस चक्कर में जो सर कितने बजे हत्या की समय पता चला तो बताया? अभी इनसे बातचीत चल रही है, ये कल का बता रहे हैं कि कल इन्होंने इसकी हत्या की है लेकिन अभी इसमें फॉरेंसिक से हम लोग इसकी एनालिसिस करके ही हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे किस वक्त हत्या हुई। सर बच्चे ठीक है सर? वो बच्चे लेके रहे इनके 2 बच्चे थे, 2 वर्ष की लड़की है और एक करीब 1 महीने का बच्चा था, ये इनको लेकर के चला गया था। वो दोनों अभी ठीक हैं, इनको चाइल्ड लाइन भेजा गया है और इसके बाद CWC के आदेशानुसार इसको किसी गार्जियन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सर पुलिस को काफ़ी देर में बाद सूचना मिल पाई, कई घंटों बाद, क्या रहा वहाँ? इसमें पुलिस को जैसे सूचना मिली है तत्काल हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी। घटनास्थल का सभी के द्वारा इंक्लूडिंग मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था और 24 घंटे के अंदर में इस केस को हम लोगों ने वर्कआउट किया। बच्चे